एक जिले में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसके चलते बेरोजगार युवा अपने ही जिले में रहकर सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिसको लेकर आज वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। रोजगार मेले के समापन के बाद डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए आप। रोजगार मेले का आयोजन युवाओं के लिए, रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी की सौगात मिली है, युवाओं को रोजगार दे रही है योगी सरकार। रोजगार को लेकर एक्शन में योगी सरकार है। सर, बृहद मेला में कार्यक्रम में आपका ये बृहद रोजगार मेला करहल के नौजवानों की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार ने आयोजित किया है। हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार युवाओं को मिशन रोजगार के तहत सीधे रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। करहल के युवा मुख्य धारा में आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमारी सरकार ने करहल में एक बृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी एक बड़ा कार्यक्रम आज करहल में था, जिसमें रोजगार के साथ साथ ऋण वितरण और टैबलेट और जो मोबाइल वितरण का कार्यक्रम भी जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत भी हमने छात्रों को किया है। आज सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर 50 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, उसमें 10,000 से अधिक वैकेंसी। इससे पहले भी आपने देखा होगा मैनपुरी में 5,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, और इस बार भी आप देखेंगे ये जो बृहद रोजगार मेला है इसमें 8,000 से लेकर के 35,000 तक का वेतन उन नौजवानों को मिलेगा जो यहाँ पर आज बृहद रोजगार मेला के माध्यम से जिनको रोजगार का अवसर मिलने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि मैनपुरी के इतिहास में, करहल के इतिहास में ये भैया थोड़ा थोड़ा इधर हम लोग तरफ अब बात आ